हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक वाटर कलर पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ड्राइंग किया हुआ है, एक लैंडस्केप है जिसमें हमने एक छोटा सा मंदिर दिखाया है जो हमारे आसपास होते हैं कहीं कहीं दूर दूर जगहों पे। उस तरह का एक सीन है, पहाड़ी पे एक मंदिर है छोटा सा, उसके पास में कुछ पेड़ हैं और बैकग्राउंड में थोड़े से पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उसको पेंसिल से स्केच किया है, उसके बाद हमने इसको पेन से थोड़ा डिटेलिंग कर ली है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसे भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और आपको कलर करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये एक सिंपल तरीका है और मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो आपको भी पसंद आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया, पेंसिल से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं पेंसिल के बाद कलर, और इस तरीके से थोड़ा सा उसको डिटेलिंग करके भी आप उसके बाद कर सकते हैं। दोनों तरीके से अच्छा लगेगा। तो आसपास कुछ कंपोजिशन को अपने थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ एलिमेंट डालेंगे, जैसे थोड़ा सा एक ये बिल्डिंग साइड में डाल दी हमने, थोड़े पहाड़ पीछे, आगे थोड़ा सा फोरग्राउंड, और ये सब जो छोटे छोटे आर्किटेक्चर होते हैं हमारे आसपास, उनमें बहुत छोटी छोटी सी डिटेलिंग होती है, पुराने से कहीं से थोड़े से टूटे हुए पत्थर उनके दिखते हुए, इस तरह के ये इनका डिज़ाइन होता है जिनको हम कैच करने की कोशिश करेंगे अपने इस पेंटिंग में। और इसमें कोई डोर नहीं है इसलिए अंदर डार्क ही दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने इसको हल्का सा डिटेलिंग कर लिया है, और जो इसका स्टेज है वो भी पत्थर से बना हुआ है, तो उसको भी आप हल्का सा कर लेंगे जितना हो सकता है डिटेल। इससे आप पेन से कर सकते हैं, बाकी कलर से तो हम करेंगे ही अभी। तो इस तरह से इसकी स्टेयर्स और थोड़ा थोड़ा डिटेल हम हर जगह, मेन हमारा सब्जेक्ट है ये मंदिर, तो इसी में ज़्यादा डिटेल करेंगे। बाकी तो हमारा इसको सपोर्ट करने के लिए कंपोजिशन में हमने चीज़ें डाली हुई है। तो सबसे पहले इस तरफ लाइट आ रही है, उस तरफ येलो कलर यूज़ करेंगे, डीप येलो। और ये पत्थर है उसमें भी थोड़ा सा येलो कलर ही करेंगे, और यहाँ शेड है उस साइड हल्का सा ब्लू, और ये डार्क है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लू के साथ ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो स्कारलेट भी आप मिला सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमने शुरुआत में इसको डार्क कर दिया है ताकि शेडो का इफेक्ट है वो काफ़ी तो आप देख पा रहे होंगे लाइट आ रही है उधर, आपको लाइट कलर दिखाई दे रहे हैं, और जिस साइड शेडो है उस साइड थोड़े से डल कलर आपको लगेंगे। तो ये वाटर कलर में ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, कहाँ से आपका लाइट का सोर्स है उस तरफ लाइट कलर यूज़ करेंगे, और जिस तरफ शेडो है उस तरफ थोड़े से डल कलर यूज़ करेंगे लाइक ब्लू। और ये हमारा फोरग्राउंड है, इसमें हमने लेमन येलो और सैप ग्रीन का मिक्स लगाया है, कहीं कहीं लेमन येलो ज़्यादा है, कहीं कहीं सैप ग्रीन है, दोनों कलर यूज़ किए। और थोड़ा सा डार्क करने के लिए उसमें ऑलिव ग्रीन भी लास्ट में मिलाया है, जिससे थोड़ा डार्कनेस और डेप्थ बढ़ जाएगी। और यहाँ पे ये एक चट्टान जैसा जगह है, पत्थर दिखाई दे रहा है मतलब, तो उसमें थोड़ा सा हमने क्रिम्शन और येलो का मिक्स लगाया है, क्रिम्शन रेड यूज़ कर सकते हैं आप। और पीछे जो
पहाड़ दिखाई दे रहा है उसमें ब्लू और हल्का सा उसमें क्रिमशन, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें दूर होती हैं थोड़ा सा ब्लूइश कलर ज़्यादा दिखाई देता है उनमें, और हल्के हल्के थोड़ा कुछ पेड़ पौधे हैं उनको भी हम बना देंगे सेव ग्रीन में थोड़ा ब्लू मिला के। इस तरह से हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ही धीरे धीरे होते हुए, अब हमें स्काई बनाना है, उसके लिए हमने कोबाल्ट ब्लू यूज़ किया है और हल्का सा उसमें कहीं कहीं क्रिमशन मिला के उसको थोड़ा सा पर्पल कलर भी दिया है। और ये फिर से इसमें स्कारलेट और अल्ट्रा मैरिन ब्लू का मिक्स है ये, जो हम डार्क एरियाज में यूज़ करेंगे और थोड़ा बैकग्राउंड में भी यूज़ कर देंगे कहीं कहीं थोड़े डेप्थ दिखाने के लिए। वाटर कलर में आप यही कर सकते हैं, जैसे एक बार इफेक्ट नहीं है तो हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से हमने स्कारलेट और अल्ट्रामरीन ब्लू का जो मिक्सचर है वो यूज़ किया है, इसमें थोड़ा लाइट यूज़ किया पहले फर्स्ट टोन देने के लिए। और इस तरह से जो पेड़ों की पत्तियां वगैरह बनाएंगे उसके लिए भी हमने लेमन येलो और सैब ग्रीन का यूज़ किया है। ये हम फर्स्ट टोन इसमें लगा रहे हैं जो लाइट टोन होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसको डार्क करेंगे। वाटर कलर में सबसे पहले लाइट कलर यूज़ किया जाता है जैसा कि हमने बताया आपको, और धीरे धीरे उसको हम जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से, ये हमने बताया था आपको छोटी छोटी डिटेलिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक टोन और लगाएंगे हम जो पेड़ का स्टैम्प है, तना है उसमें, लेकिन हल्की सी लाइट आपको छोड़नी है ना, तो इससे आपको थोड़ा सा थ्री डायमेंशन इफ़ेक्ट आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये हमारा बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग दिख रही थी, इसको हमने हल्का हल्का डार्क किया। फोरग्राउंड में भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो ऊँची नीची जगह होती है और कुछ चीज़ें होती हैं उनको हल्का हल्का दिखाते हुए। अगर आपका एक बार में इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप फिर से कलर यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा ब्लैक और स्कारलेट का मिक्स यूज़ किया है और डार्क टोन लाने के लिए, इसके लिए थोड़ा पतला ब्रश यूज़ करना है और धीरे धीरे करना है इसको, एक बार में नहीं हो रहा, एक बार छोड़ दीजिए उसको थोड़ा ड्राई हो जाए फिर से ट्राई करिए, है ना। इस तरह से ये इफ़ेक्ट आते हैं। और ये थोड़ा वेरिएशन देने के लिए, फोरग्राउंड काफ़ी प्लेन सा लग रहा था तो इसमें थोड़े से वेरिएशन के लिए हमने कहीं कहीं डार्क स्पॉट यूज़ किए हैं जिससे और काफ़ी नेचुरल दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें सेकंड टोन लगाएंगे, इसके लिए हमने वर्मिलियन न्यू और सैप ग्रीन ऑलिव ग्रीन का मिक्स लिया है। धीरे धीरे करना है, जैसा कि हमने एक बार और आपको पेड़ की ड्राइंग बताई हुई है उसको भी आप देख सकते हैं डिटेल में, अगर आप पेड़ को और अच्छे से बनाना देखना चाहते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क, सबसे पहले लाइट फिर धीरे धीरे उसके डार्क टोन। थोड़ा और पतला ब्रश यूज़ किया हमने ताकि हम जो पेड़ के टहनियाँ हैं उनको बना सकें और उसको नेचुरल दिखाने के लिए। और जहाँ हमें लग रहा है कि और डेप्थ होनी चाहिए उसको हम लास्ट में ब्लैक और स्कारलेट का मिक्स करके और थोड़ा डार्क कर सकते हैं, इसी तरह से फोरग्राउंड में भी।
तरह से ये हमारा पेंटिंग लगभग कंप्लीट होता हुआ। लास्ट में एक टच और देंगे, कहीं कहीं जहाँ हमें लग रहा है कि और हमें कुछ कलर यूज़ करना चाहिए, इस तरह से हम इनको फिर से हल्का सा कलर लगा सकते हैं। और ये पेड़ में एक लास्ट डार्क टोन देते हुए इसके लिए हमने ऑलिव ग्रीन और ब्रन टम्बर का यूज़ किया है, कहीं कहीं डायरेक्ट ग्रीन भी यूज़ किया है। और ये पेंटिंग हमारा कंप्लीट होता हुआ, होप आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से सीखा होगा। थैंक यू।